और इनफेंट्स यूज क्राइस क्यूस एंड बैबलिंग टू कम्युनिकेट यानी बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्राई करके क्यूस या बैबलिंग करते हुए अपनी इजहार करता है अपनी एक्सप्रेशंस करता है अपनी ज़रूरियात का और दिस फेज इज़ क्रूशल फॉर डेवलपिंग वोकलाइजेशन स्किल्स यानी वोकलाइजेशन यानी बोलने के स्किल्स डिवेलप करने की ये बुनियाद है ये जो साउंड्स हैं और सेंसिटिविटी टू स्पॉन्स स्पीच साउंड्स तो स्पीच साउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अराउंड सिक्स टू टेन मंथ्स यानी छः से दस माह तक इन्फेंट स्टार्ट बैबलिंग बैबलिंग जो बच्चे करते हैं छः से दस माह की उम्र में बच्चे ये स्टार्ट करते हैं द एक्सप्रेशन द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्पीच साउंड एंड सेलेबल्स तो वो मुखलिफ स्पीच साउंड्स और सेलेबल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बैबलिंग हेल्प्स रिफाइन मोटर स्किल्स जो बैबलिंग है उनके मोटर स्किल्स को रिफ़ाइन करने में उनकी मदद करती है और ये स्पीच साउंड्स के लिए एक बुनियाद भी बनती है और एट ट्वेल्व टू एटीन मंथ्स टोटलर एंटर इन द होलोफ्रास्टिक स्टेज होलोफ्रास्टिक स्टेज यानी ये वन वर्ड अदा करने के उस मरहले में दाखिल हो जाते हैं और दिस दे यूज सिंगल वर्ड्स टू कन्वे कम्प्लीट थाट्स तो वो सिर्फ एक लफ्स से ही अपने मुकम्मल ख्याल का इजहार करते हैं या अपनी ज़रूरियात का इजहार करते हैं और फिर उनकी वैकेबलरी आहिस्ता ऐस्ता बढ़ना शुरू होती है वो जो अपने इर्द गिर्द के ऑबजेक्ट्स होते हैं उनको देख कर मीनिंग्स देते हैं उनसे और उन अपनी ज़रूरत के इजहार के लिए और उन ऑब्जेक्ट्स के नामों के ज़रिए उनका इजहार करते हैं और 18 से 24 मंथ की उम्र में टोडलर्स एंट्रिन टू टू वर्ड यानी वन से अगले मरले में वन वर्ड से टू मरल वर्ड के मरले में ये दाखिल होते हैं और दे स्टार्ट कंबाइनिंग वर्ड्स टू मेक सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस वो बनाना शुरू कर देते हैं और दिस मार्क्स द इमरजेंस ऑफ बेसिक ग्रामर मोर कॉम्प्लेक्स कम्यूनिकेशन यानी यहाँ से वो अब थोड़ी बहुत उनमें ग्रामर का भी पता चलता है जब वो अल्फ़ाज को कम्बाइन करते हैं तो इससे ग्रामर का भी इजहार होता है और एट टू 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 पॉइंट फाइव ईयर्स यानी दो से ढाई साल की उम्र में चिल्ड्रन एन एंटर इन टू द टेलीग्राफिक लेवल यानी टेलीग्राफिक स्टेज पर या लेवल पर वो चले जाते हैं और दे कंस्ट्रक्ट शॉर्ट टेलीग्राफिक सेंटेंसिस विद असेंशियल वर्ड और जरूरी अल्फाज के जरिए वो छोटे छोटे टेलीग्राफिक मैसेजेस की तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं और दिस लेवल डिमॉन्सट्रेट मास्टरी ऑफ ओवर एडवांस ग्रामर ये मरह फिर उनको एडवांस ग्रामर पर महारत का पता देता है और दो तो से ढाई से तीन साल की लैंग के दौरान लैंग्वेज एक्सपेंशन अकर्स यानी उनकी लैंग्वेज फिर एक्सपेंड होती है और उसमें वसत आ जाती है वैकेबलरी एंड सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज तो वैकेबलरी और सेंटेंसेस पेचीदा होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं जखीरा अल्फाज उनका बढ़ता जाता है और चिल्ड्रन चिल्ड्रेन इन मोर डिटेल्ड एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन तो बच्चे वो ज़्यादा डिटेल्ड और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में मसरूफ हो जाते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस जारी रहता है और तकरीबन तीन से साढ़े तीन साल की उम्र तक लैंग्वेज रिफाइन टेक्स प्लेस जो लैंग्वेज उनकी रिफ़ाइन होती जाती है अब वो मजीद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं और ये जो चिल्ड्रन फाइन ट्यून देयर लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग ग्रामर एंड प्रोनासीशन तो बच्चों का ग्रामर और प्रोनान्िएशन भी वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाता है और लैंग्वेज बिकम्स मोर फ्लुएंट, एक्यूरेट एंड सोफिस्टिकेटेड तो उनकी लैंग्वेज ज़्यादा रवा, दुरुस्त और जिद्दत पर मबनी होती जाती है तो ये था लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस जो शीर खारगी से शुरू करके इब्तदाई बचपन तक जारी रहता है